इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और आप देख रहे हैं द सड़कनामा .com। आने वाली तारीख 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और नतीजे इसकी 24 तारीख को घोषित हो जाएंगे। अब देखना ये है कि जनता किसे विधायक बनाकर चंडीगढ़ विधानसभा तक भेजेगी, और इसी को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं डबवाली हलके से कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग। हम उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी जीत की कैसी चल रही है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर सबसे पहले मेरा सवाल कि कांग्रेस पार्टी और पार्टियों के मुकाबले जीत की तैयारी कैसे कर रही है? चुनाव है क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, इस हलके में पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। और सही मायने में डॉक्टर केवी सिंह जी को हक दिलवाने के लिए मैं उनका एक प्रतीक हूँ, और जो राजनीति उन्होंने शराफत संघ विकास की राजनीति की है 12 वर्षों को, उसको सही मायने में मजबूत करने के लिए और उसको विधानसभा तक पहुंचाने के लिए उस सोच को आज जनता खुद उनके हक की लड़ाई लड़ रही है। तो ये चुनाव मैं कह रहा हूँगा मैं नहीं लड़ रहा, ये जनता चुनाव लड़ रही है आज की तारीख में। सर आप गांवों का दौरा कर रहे हैं, डबवाली हलके में हर जगह का आप दौरा कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या मुख्य समस्याएँ आपके सामने आई लोगों की? समस्याएं जहाँ पे दो मुख्य समस्याएं ये हैं कि हमने जो नारा भी दिया है जवानी बचाओ किसानी बचाओ, जवानी जहाँ तक चिट्टे की समस्या पूरे क्षेत्र में फैलती जा रही, खासकर ये बॉर्डर का एरिया यहाँ पे ज़्यादा, और साथ साथ में जो बेरोज़गारी है, जो शिक्षा की कोई ज़्यादा सुधार नहीं किया, जो हमने जाने से पहले डॉक्टर केवी सिंह जी ने पिछले 5 साल से पहले जो कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था की थी वो वहीं पे खड़ी हुई है, उसके बाद कोई नया लोग जो शिक्षा के स्तर पे कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। रोज़गार आपके सामने है, पूरे हरियाणा में नंबर वन में कहते हैं कि आज की तारीख में रोज़गार की बेरोज़गारी की जो समस्या है, तो ये सारी यहाँ पर है। साथ साथ जो किसानी है वो भी ख़त्म होने की कगार पे है, यहाँ पर जिस तरीके के सिंचाई के कोई नए साधन नहीं दिए गए, ट्यूबवेल का कोई नया कनेक्शन नहीं दिया गया, जो नहरें मंजूर भी करवाई गई थी पिछले सरकार में डॉक्टर साहब के पूरे मेहनत के द्वारा, वो भी आज इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बंद करवाने का काम किया। तो एक तरफ से जो जवानी बर्बाद हो रही है, एक तरफ से किसानी बर्बाद हो रही है, तो दोनों वर्ग आपके सामने हैं, तो इससे बदलाव चाहती है जनता, इसीलिए चुनाव है। सर नशा है पंजाब की तरफ, जो नशा था वो आज इधर भी फैलता जा रहा है, तो उस पर उसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास कैसे करें? बिल्कुल, जिस तरीके जिस तर्ज पे पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सख्ताई की है, एसटीएफ का गठन किया गया है, उसी तरीके से अगर हमारे नशा, आप ये मान लीजिए 5 साल से पहले यहाँ पे नशा क्यों नहीं था, इसको सोचने की आवश्यकता है। सोचने की है कि जब कोई संस्कार जो सरकार है उसका पूरी अगर चेष्टा हो, उसकी सोच हो उसे रोकने की, नियंत्रित करने की, तो हमेशा रुक सकता है। तो यहाँ पर सरकार गैर जिम्मेवाराना है, और सही मायने में उनकी जो सोच है वो इसके अनुकूल नहीं रही, इस पर इन्होंने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, या अगर गंभीरता से ध्यान दिया, उनकी पकड़ नहीं है सही मायने पर प्रशासन पे, अगर पकड़ है प्रशासन पे कहते हैं तो फिर कोई मिलीभगत है। तो जो 5 साल पहले तक अभी ये समस्या नहीं आई, अब क्यों आई पिछले 5 सालों में, तो ये सोचने की बात है। तो इस पे हमारा एक वायदा है कि 6 महीने के अंतराल में इसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। सर आप कह रहे हैं कि 1 बटन 2 MLA, तो इसका क्या मतलब है? सर एक कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर केवी सिंह जी ने यहाँ पे इस हलके की सेवा की है, बिना कोई संवैधानिक पद के भी पूरी तरीके से 12 साल वो संघर्ष करते रहे, और कोई भी मैं कहता हूँ कि गारंटी से कोई भी इस पूरे ज़िले के अंदर ऐसा नेता नहीं होगा जिसने इतना समय अपने हलके के लोगों को परिवार मान के, अपने परिवार से दूर होकर इतना समय दिया है। तो एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनका एक प्रतीक हूँ, मुझे अगर वोट मिलेगा, एक तो डॉक्टर केवी सिंह जी यहाँ पर मजबूती से जिस तरीके से लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनका तजुर्बा हमारे साथ है, बिकॉज़ उन्होंने विकास जितने काम किए हैं वो तजुर्बे का हम उपयोग करेंगे, उनकी नीति और नियत जो है हमारे सामने साफ है, और मैं उस सोच को उसको अमली जामा पहनाने का काम विधानसभा में करूँगा। तो एक वोट से 2 MLA, एक डॉक्टर केवी सिंह जी जो यहाँ पे पूरी तरीके से अपने तजुर्बे से नई परियोजनाएँ की सोच रखेंगे, और उसको अमली जामा पहनाने का मैं दूसरे MLA के रूप में काम करूँगा। सर डॉक्टर केवी सिंह की आप सबसे पहले किन किन नीतियों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे? उन्होंने सबसे पहले जब यहाँ राजनीति में आए तो एक ही सोच रही है, विकास संघ शराफत की राजनीति की। सबसे पहले जब हम 2007 के अंदर जब यहाँ राजनीति शुरू की तो उस समय एक डर का माहौल हुआ करता था, यहाँ पे मान सम्मान की बात नहीं होती थी, ना कार्यकर्ता के लिए ना आम जनता के लिए। उसको बदलने का काम जो प्रयास किया कि आज जनता खुलकर अपने हक की बात कर सकती है, ये सबसे बड़ी बदलाव है जो इस हलके को आवश्यकता थी, वो डॉक्टर केवी सिंह जी की सोच थी। दूसरा विकास के साथ जोड़ा कि यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी ताकत है उसको जनता के विकास कराने के लिए, ना कि अपने परिवार की चौधर बढ़ाने के लिए। तो वो विकास के जो काम उन्होंने किए हैं,
आपके सामने, आप किसी भी जाके पूछ लीजिए, जितने ही सड़कें यहाँ पे मंजूर कराई, 15 बिजली घर हैं, स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था थी और जिस तरीके से शहर का रेलवे ओवर ब्रिज, 60 साल पुरानी मांग है, उसके लिए एक सोच और नीयत चाहिए थी। पुराने चीफ मिनिस्टर ने झूठे नींव पत्थर भी रखे, जो पहले चीफ मिनिस्टर रहा करते थे इसी क्षेत्र के थे, और उसके बावजूद वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। डॉक्टर केवी सिंह जी ने ये लड़ाई दिल्ली तक लड़के इस परियोजना को मंजूर कराया। तो ये है एक शराफत संग विकास को जोड़ के राजनीति की और एक सेवक के रूप में की है, उसी सोच को मैं बुलंद करना की सोच। पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी भी आपके साथ समर्थन के लिए, वोट की अपील करने के लिए आपके साथ घूम रहे हैं। तो सर मैं बात करूँ सतलुज यमुना लिंक की, तो क्या पानी अब हरियाणा को मिल सकता है? देखो जी, हमारा प्रयास है कि हर जगह पे ये बिल्कुल दोनों हरियाणा की हमेशा से मांग रही है और हमारी कोशिश रहेगी अगर हमारी सरकार बने तो दोनों जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार होंगी। कई बार ये रही है समस्या कि यहाँ पे कांग्रेस की रही, दूसरी जगह अकाली दल की सरकार रही है, जिस तरीके से इस बार दोनों सरकारें बने तो हमारा ज़रूर प्रयास रहेगा कि मिलजुल कर बैठ के एक ढांचा और उनको पंजाब के भी जो हमारे साथी हैं सहयोगी हैं उनसे भी चर्चा की जाए कि किस तरीके से दोनों स्टेट के किसान खुशहाल हों, हरियाणा के भी पंजाब के भी, और मिलजुल कर एक परियोजना का किस तरीके से इसको अमली जामा बना दिया जाए। बनती है सर, ड्रीम प्रोजेक्ट डबवाली हल्के के लिए क्या रहेगा? ड्रीम प्रोजेक्ट जी, मेरे लिए तो एज अ युवा सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि एक तो ये चिट्टे की समस्या है, इसे प्रोजेक्ट नहीं कहूँगा बट ये तो एक अभियान के रूप में हम छेड़ेंगे इसको जड़ से उखाने का, ताकि युवा खास करके यहाँ पर अपना एक ठीक तरीके से समाज का ताना बाना जिस तरीके से बना और सुरक्षित रहे। दूसरा शिक्षा के लिए और रोज़गार के लिए, रोज़गार के लिए हमने जैसे यहाँ पे दो उद्योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जूती का उद्योग है और एक है हमारे पे जो हॉर्टिकल्चर है, इन दोनों के ऊपर हम पूरे विचारधारा से साथ एक पूरी सोच के साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ नई परियोजनाएं लाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरे दो ड्रीम प्रोजेक्ट, और ख़ास करके जो नहर की समस्याएं रही हैं, जो डॉक्टर साहब ने 3 नहर मंजूर करवाई थी, कोशिश की थी, 2 इनमें से एक तकरीबन तैयार हो गई, एक कागज़ों पे मंजूर थी, तीसरा पिकअप नहीं कर पाए थे हम उसे, वो तीनों नहरों को बनवाने का काम, ताकि बिल्कुल टेल तक पानी पहुँचे और किसान मालामाल हो, ये हमारी मुख्य परियोजना रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ डबवाली हल्के के कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग, जिन्होंने बताया कि चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी जीत की तैयारी कैसी चल रही है। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे पेज द सड़कनामा .com के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।